तो आपने चैनल देखा होगा ठाकुर के लॉयंस करके, कौन कौन जानते हैं उस चैनल को, ठाकुर के लॉयंस, ये वाला चैनल है जिसमें आपने देखा होगा ज्यादातर वो मेरी वीडियो ही स्टार्टिंग से सन 2020 से ना वो डालता था उसमें मोटिवेशनल वीडियो जो भी थोड़ी होती थी, ठीक है, या फिर उसने बाकी टीचर्स की भी डालनी स्टार्ट कर दी थी। तो उसने ना कुछ वीडियोज जो है वो खांसर की भी डाली और बाकी टीचर्स की भी डाली। तो ये बच्चा कह रहा है कि सर अभी मेरे उस पे ना चैनल पे सीधा 5 स्ट्राइक आई है और इसका ना महीने का 5-7 हज़ार, मतलब गरीब फैमिली से है काफी, उत्तराखंड में एक गांव से है, ठीक है, तो 5-7 हज़ार रुपये महीने के अपना कमा लेता था उससे वीडियोस एंड शॉर्ट्स वगैरह काट के, ठीक है। तो ये पढ़ाई कर रहा है सीडीएस की, समझ पहले तो एयरफोर्स की कर रहा था लेकिन अब उसका एज ओवर हो गया तो सीडीएस की तैयारी कर रहा है। तो अभी क्या है कि 5-6 एकदम उससे स्ट्राइक आ गई है और प्रॉपर्ली उन्हीं के उससे आई हुई है, ठीक है, उसको लिखा है, उसको 8 दिन का टाइम दिया लगभग लगभग। तो भाई मेरी जो ये वीडियो है ना और मेरी जो ये बात है, प्लीज खानसर तक पहुंचाइएगा कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मुझे पता है खानसर ने माइंड में ऐसा नहीं है, ना दूर दूर तक कभी ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो टीम बैठी हुई होती है वो टीम इस पे काम कर रही होती है और टीचर्स को पता भी नहीं होता। जैसे मेरी टीम कई बार क्या होती है, ऐसा काम कर देती है कि संजीव सर को पता ही नहीं है और सामने वाले को लगता है कि संजीव सर गलत है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के दिमाग में या किसी भी एक भी व्यक्ति के सामने एक इतने रेप्यूटेड टीचर के बारे में सवाल भी खड़ा हो, लेकिन वो आता किसके दिन किसी वजह से, जो कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ जो मान लो गलत नहीं है व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, मैं उनको भी नहीं कहता उन्होंने अपने किसी रीजन से, क्योंकि उस चैनल पे उनकी सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस डली हैं जो भी 2-4 बात, ठीक है, काट देता है ना बच्चा, आप समझ रहे कैसे डाल देता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है और मेरी इस बात को सर तक जरूर पहुंचाया जाए और स्पेशली सर का कोई नंबर या पर्सनल नंबर हो तो या तो मुझे दिया जाए, मैं हाथ जोड़ लूंगा एक बार सर से कि सर बच्चा मतलब लिटरली इसकी कसम खा कर रहा हूँ, इससे बड़ा कुछ नहीं मेरे लिए। वो अभी ही वॉज क्राइंग, मैंने इसीलिए वो कर दिया था इसको, ही वॉज लिटरली क्राइंग, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई, हमने हमारी वीडियोज आज तक हजारों बच्चों ने डाली, हम पे एलिगेशन भी लगे कि ये तो संजीव सर ने खुद अपने चैनल बनवा रखे अपना प्रमोशन कराने के लिए। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्लास भी ले लें टाइम पर, ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन हमने कभी किसी को स्ट्राइक नहीं डलवाई या कभी ऐसा चीजें नहीं करवाई, ठीक है। खूब बच्चों ने चलाया, हमें कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है, वो अपनी मेहनत करते हैं और अगर 4 पैसे कोई बच्चा कमा के अपनी पढ़ाई में लगा लेता है तो मुझे नहीं लगता गलत है, मैं ये बात 100% कह रहा हूँ और मेरा मन ये बात जानता है कि सर कभी ऐसा मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो मुझे पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट क्योंकि वो उसकी बच्चे की रोने की जो फीलिंग्स है मैं समझ सकता हूँ। बहुत मेहनती बच्चा है, पहाड़ से है बिल्कुल, है ना, जौनसर बाबर के गाँव से है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, ठीक है, आया भी है वो, मिला भी एक बार, उसके चैनल पे प्लीज स्ट्राइक ऐसे ना करवाई जाए, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो ये मेरा पर्सनल चैनल है कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर मेरा कोई भी 1% इंटरेस्ट होता कसम से मैं कभी नहीं कहता, चाहे इसको कैडिट चैनल को ही उड़वा दो मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी चैनल पे खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्लीज ये बात प्लीज सर तक पहुंचाई जाए और अगर ये बात सर तक पहुंचती है और उस बच्चे को मतलब ये उसके साथ सही हो जाता है तो मैं स्पेशली थैंक्स करके ये वीडियो बनाऊंगा सर के लिए, ठीक है। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर पहुंचाइए।